गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर 10 आपका चल रहा था, जिससे मैंने आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है उसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। और इसके साथ साथ आपकी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के साथ साथ मैंने आपको बताया मेथड्स डेवलपिंग स्ट्रेंथ। तो इसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस कितने तरीके की होती हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आता है आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइजेस होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना लेकर किसी भी हैवी पार्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को अपनी बॉडी वेट को यूज करके हम उसको एज ए एक्सरसाइज चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अपने बॉडी वेट को इस्तेमाल करके हम कोई भी एफर्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बैलेंसिंग ऑन ए फुट, तो बैलेंसिंग जो है अपने एक पैर पर अपनी बॉडी का बैलेंस करना, ये आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। किसी भी चीज को पुशिंग द वॉल, प्रेसिंग द वॉल, ठीक है, और उसके बाद सिटिंग विदाउट चेयर, हाउ इज इट पॉसिबल, किसी भी चेयर पर बैठना बिना इस चेयर की पोजीशन बनाकर, और आपको जो है सिटिंग पोस्चर में आपकी आपको पोजीशन बनानी है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी चेयर पर बैठे लेकिन आप चेयर नहीं है, आप वो पोस्चर बनाए हुए हैं, तो ये आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती है। कौन कौन सी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, इट मींस कि जो भी किसी भी अपनी बॉडी के वेट को यूज करके हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस ऑन ए फुट, एक पैर पर अपने बॉडी बैलेंस करना, वो भी एक एक्सरसाइज है बैलेंसिंग। इसके बाद जैसे आपका इस ट्रेनिंग शेड्यूल में मैंने आपका फिटनेस टेस्ट में आपका वन लेग बैलेंस, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, तो वो आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है बैलेंसिंग। उसके बाद दूसरा आता है आपका प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल, किसी भी दीवार को धक्का देना, पुश करना, दीवार तो नहीं हट जाएगी लेकिन आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ डेवलप करेगी। इसके साथ सिटिंग विदाउट चेयर, यानी सिटिंग पोस्चर बनाना अपना विदाउट चेयर के, बिना चेयर के ऐसा लगता है कि आप जैसे बैठे हुए लेकिन आप इतना सिटिंग पोस्चर बनाए हुए हैं, तो ये आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसके बाद आता है नंबर टू आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, दीज एक्सरसाइज इन विच द मस्कुलर एफर्ट रिजल्ट्स इन द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड आर इज कॉल्ड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। फिर से बोल रहा हूं, दोज एक्सरसाइज in which muscular effort results in the movement of an object on which force is the applied or called isotonic exercise. Isotonic exercise वो है जिसमें कोई भी एक object को हम उसको movement देते हैं, अपनी body muscles को movement देते हैं, object को हाथ में लेकर अपने body से किसी भी object को muscular movement देने से जो हमारे पास strength develop होती है वो हमारी isotonic exercise कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट रिदमिक एक्सरसाइज। नंबर टू फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज विद लाइट वेट, किसी भी लाइट वेट से एक्सरसाइज करना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है वेट हो, उससे जो एक्सरसाइज करना वो हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है जो हमारी मसल्स को टोन करती है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर थ्री में आता है आपका आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस को आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस को के कॉम्बिनेशन को आपको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहा जाता है। इसको अगर हम कहें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल कैरिंग वेट, पहले मैंने कहा था कि अपने बॉडी वेट से आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट से आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, और कैरिंग द वेट, वेट को कैरी करना, ये आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाती है। यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इसके बाद आता है चिन अप्स, अगर आप कर रहे हैं तो चिन अप्स जो है वो आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है जो आपकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है। उसके बाद आता है रोप क्लाइंबिंग, आप रस्सी से ऊपर चढ़ना, तो ये आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है, इसको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये मैंने आपको तीन एक्सरसाइज बताई, कौन कौन सी,
टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस में, नंबर वन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, नंबर टू आइसोटोनिक एक्सरसाइज, नंबर थ्री आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो जो आपके बॉडी वेट से की जाती है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता. और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइजेस होती है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज करके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स टोन करते हैं, ये आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहलाती है. इट इज द एंड आइसोकाइनेटिक इज अ थर्ड टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. इज अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. तो ये आपकी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कैरिंग वेट, चिन अप्स एंड रोप क्लाइंबिंग. तो ये तीन एक्सरसाइजेस मैंने आपको, तीन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस बताए इस चैप्टर में का. ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, में आपका स्ट्रेंथ कंप्लीट है. और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इस चैप्टर को, इसके क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा. फिलहाल आप लोग जो प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार कर लीजिए और उसको चेक करना शुरू हो जाएगा आपके नेक्स्ट डे से. कल से मैं चेक करना शुरू कर दूंगा. आप लोग अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए. फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करने में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.